Hi everyone, assalamu alaikum. Myself Muhammad Usman Munir, your tutor, providing you free education. Welcome back to my channel Tuition Bank. So let's start our new lecture for class 9th, Physics, chapter number 1, Physical Quantities and Measurement. आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले तमाम स्टूडेंट्स जो चैनल पर बिल्कुल न्यू आए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तमाम वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के मुतालिक अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन पे या मेरा नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले है, आप मुझे कॉल, व्हाट्सएप या SMS करके अपने क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चंस का, आपकी क्वेरीज का इमीडिएटली रिस्पॉन्स किया जाएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टॉप वॉच। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस को। ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पेज नंबर 18 पे हम लोगों ने इसको कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या होते हैं और किस किस काम आते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने फिर बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में डिफरेंस देखा कि ये किस किस हद तक सही पैमाइश करके देते हैं। जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर नहीं पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो वहाँ पर जाकर सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पढ़ लें और आज के टॉपिक में फिर शामिल हो जाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसकी सबसे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़नी है कि ये स्टॉप वॉच किस काम आती है, यानी कि जो टूल, जो ऑब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं उसका मेन काम क्या है, किस मकसद के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। स्टॉप वॉच की मेन डेफिनेशन क्या है, जस्ट बिल्कुल सिंपल और छोटी सी डेफिनेशन है। स्टॉप वॉच इज़ यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट के टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए स्टॉप वॉच को इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वो इवेंट कितने दौरानिए में हुआ, यानी कि उसका स्टार्टिंग टाइम क्या था जब वो स्टार्ट हुआ और एंडिंग टाइम क्या है, कितनी देर के लिए वो इवेंट अकर हुआ, कितनी देर के लिए वो इवेंट चला, तो उसकी मेजरमेंट के लिए स्टॉप वॉच को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट फिर देखते हैं कि ये स्टॉप वॉच जो है ये कितनी तरह की होती है, इसकी टाइप्स को हम लोगों ने डिस्कस करना है। एक होती है मैकेनिकल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो कि नीडल्स पर मुश्तमिल होती है, जो कि नीडल्स पॉइंट्स टू पॉइंट्स मूव कर रही होती है, जबकि दूसरी जो होती है वो होती है डिजिटल स्टॉप वॉच, जिसमें एक स्क्रीन होती है और वहाँ पर नंबर्स डिस्प्ले होता है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें मेजर करके बता रही होती है। तो स्टॉप वॉच की दो टाइप्स हुई, एक मैकेनिकल और एक डिजिटल स्टॉप वॉच, और दोनों इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छी और सेंसिटिव स्टॉप वॉच जो है वो डिजिटल होती है, क्योंकि ये एक सेकेंड के 100वें हिस्से तक की पैमाइश करके देती है, जबकि मैकेनिकल स्टॉप वॉच हमें एक सेकेंड के 10वें हिस्से तक की पैमाइश करके देती है। तो इन दोनों का हमने लीस्ट काउंट पढ़ना है, यानी कि मैकेनिकल स्टॉप वॉच किस हद तक मिनिमम पैमाइश करके देती है। अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच कैन मेजर अ टाइम इंटरवल अप टू अ मिनिमम 0.1 सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड के 10वें हिस्से तक की ये पैमाइश करके देता है। इसका मतलब है ये जो 0.1 सेकेंड नज़र आ रहा है आपको, ये इसका क्या हुआ, लीस्ट काउंट हुआ, जबकि डिजिटल स्टॉप वॉच जो है वो हमें एक सेकेंड के 100वें हिस्से तक की पैमाइश, 0.01 सेकेंड तक की पैमाइश करके देती है। अ डिजिटल स्टॉप वॉच कॉमनली यूज इन अ लेबॉरेटरी कैन मेजर अ टाइम इंटरवल एज स्मॉल एज 1/100 सेकेंड और 0.01 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सेकेंड के 100वें हिस्से तक की हमें पैमाइश करके देती है, तो ये इसका क्या हुआ, लीस्ट काउंट। मैकेनिकल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट क्या है, 0.1 सेकेंड, यानी एक सेकेंड के 10वें हिस्से तक, जबकि डिजिटल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट क्या हुआ, 0.01 सेकेंड, ये इसका लीस्ट काउंट कहलाता है। अब ये एक टाइम इंटरवल हमने एक एनिमेशन के थ्रू देखना है कि जब मुख्तलिफ एनिमल्स ने रेस में हिस्सा लिया तो साथ में हम लोगों ने स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया। स्टॉप वॉच के ऑन करते ही ये एनिमल्स जो हैं वो मूव करना शुरू हो गए, और जो सबसे पहले एंडिंग पॉइंट को, यानी कि क्रॉसिंग लाइन को क्रॉस करेगा, एंड पॉइंट पे जो लाइन लगी हुई है उसको क्रॉस करेगा, वो इस रेस में विन करेगा, और इसका टाइम नोट कर लिया जाएगा कि उसने कितनी देर में
यानी कितने टाइम में उस लाइन को क्रॉस किया और रेस को विन किया। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि ये स्टॉपवॉच चल रही है और यहाँ पर एनिमल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, भाग रहे हैं और रेस को विन कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये विन किया 50 सेकेंड में और ये 52 सेकेंड्स में विन किया। तो इसका मतलब है मुख्तलिफ एनिमल्स ने जब रेस में पार्टिसिपेट किया तो उनकी फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करने का जो टाइम था वो हम लोगों ने मैयर किया इस स्टॉपवॉच के जरिए। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज़ का, किसी भी इवेंट का टाइम इंटरवल जो है वो मैयर कर लेते हैं कि वो इवेंट जब स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त रीडिंग जो थी स्टॉपवॉच पे 0-0 थी, लेकिन जब वो एंड हुआ इवेंट या वो रेस थी तो वो फिनिशिंग लाइन को जब क्रॉस किया तो उस वक्त टाइम कितना गुजर चुका था, उस टाइम को मेजर करने के लिए हम स्टॉपवॉच को इस्तेमाल करते हैं। अब स्टॉपवॉच को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, हाउ टू यूज स्टॉपवॉच, यानी स्टॉपवॉच को कैसे इस्तेमाल करते हैं। स्टॉपवॉच को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए इसके ऊपर बटन लगे होते हैं। एक बटन होता है जब हम स्टॉपवॉच को ऑन करते हैं और एक बटन होता है जब हमने स्टॉपवॉच की जो रीडिंग है उसको 0 पे लेके आना। तो ये देखिए यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैकेनिकल स्टॉपवॉच हैज अ नॉब दैट हैज यूज्ड टू विंड द स्प्रिंग दैट इज पावर द वॉच। यहाँ पे ये मैकेनिकल स्टॉपवॉच है और ये वाला स्प्रिंग, ये यहाँ पर आपको ब्राउन कलर का एक स्प्रिंग नजर आ रहा है, ये क्या करता है, जब हम नॉब को प्रेस करते हैं तो प्रेसिंग पे ये क्या करता है, स्टॉपवॉच को पावर देता है जो कि चलना शुरू हो जाती है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू सेट एज अ स्टार्ट स्टॉप और रीसेट द बटन। और बाज स्टॉपवॉच के अंदर यही बटन जो है वो एक दफ़ा प्रेस किया तो स्टार्ट होगी, उसी बटन को प्रेस करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा और उसी बटन को थर्ड टाइम प्रेस करेंगे तो ये दोबारा 0 पे चला जाएगा। यानी कि एक बटन आपका 3 काम कर रहा होता है, यानी कि उस एक बटन ने सबसे पहले जब आप उसके प्रेस करेंगे तो वो उस स्टॉपवॉच को स्टार्ट कर देगा, दूसरी बार जब आप उसे प्रेस करेंगे तो वो उस स्टॉपवॉच को स्टॉप कर देगा, और तीसरी बार जब आप उसे प्रेस कर देंगे तो वो उसी स्टॉपवॉच को क्या कर देगा, 0 पे वापस ले आएगा। तो एक बटन 3 काम कर रहा होता है, लेकिन बाज स्टॉपवॉच में ये बटन अलग अलग लगे होते हैं। मसलन ये बटन स्टार्ट का है, ये स्टॉप का है और ये रीसेट का है। द वॉच स्टार्ट वेन द नॉब इज प्रेस्ड वंस, ये जिस तरह यहाँ पे ये एनिमेशन में आप देख रहे हैं कि जब हम एक दफ़ा प्रेस कर देते हैं स्टॉपवॉच को तो उस वक्त ये स्टार्ट हो जाती है। वेन प्रेस सेकेंड टाइम, जब दूसरी दफ़ा इसको प्रेस करते हैं इट स्टॉप, तो उस वक्त ये स्टॉपवॉच स्टॉप हो जाती है। वाइल द थर्ड प्रेस ब्रिंग द नीडल बैक टू द 0 पोजिशन, जबकि तीसरी दफ़ा जब हम प्रेस करते हैं तो वो इस नीडल को वापस 0 पे ले आता है। तो एक बटन 3ों काम कर रहा होता है, या 3 अलग अलग बटन होते हैं, या 2 बटन होते हैं, यानी एक बटन स्टार्ट और स्टॉप के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एक बटन रीसेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मैकेनिकल स्टॉपवॉच और डिजिटल स्टॉपवॉच दोनों में इस्तेमाल होता है। जबकि डिजिटल स्टॉपवॉच में अगर बात की जाए प्रेस और ऑन ऑफ की, तो उसी तरह जिस तरह मैकेनिकल स्टॉपवॉच वर्क करती है इसी तरह डिजिटल स्टॉपवॉच भी वर्क करती है। डिजिटल स्टॉपवॉच स्टार्ट टू इंडिकेट द टाइम लैप्स एज स्टार्ट स्टॉप बटन इज प्रेस्ड, यानी एक बटन स्टार्ट और स्टॉप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एज सून एज द स्टार्ट और स्टॉप बटन इज प्रेस्ड अगेन इट स्टॉप एंड इंडिकेट द टाइम इंटरवल रिकॉर्ड, जैसे कि ये अब स्टॉप हो चुका है, टाइम पहले ये बटन प्रेस किया तो टाइम स्टार्ट हो गया था, अब ये रीडिंग यहाँ पर आना शुरू हो गया 6, 7 और 8। जब ये दोबारा बटन प्रेस किया तो ये स्टॉप हो गई, अब ये बटन प्रेस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अ रीसेट बटन इज रिस्टोर द इनिशियल 0 सेटिंग, आप जब रीसेट का बटन प्रेस करेंगे तो ये जो स्टॉपवॉच चल रही है ये दोबारा 0-0 हो जाएगी, यानी कि अब हम दोबारा से किसी नए इवेंट का टाइम मेजर कर सकते हैं। तो मैकेनिकल स्टॉपवॉच और डिजिटल स्टॉपवॉच की वर्किंग का जो स्टाइल है वो सेम है, यानी कि दोनों के ऊपर बटन लगे होते हैं, हम उन बटन के जरिए स्टॉप करते हैं और रन करते हैं और उन्हीं बटन्स के जरिए हम इसको रीसेट करते हैं, या अलग बटन लगे होते हैं जिनको प्रेस करके हम इसको रीसेट करते हैं। तो ये आज के लेक्चर में हम लोगों ने स्टॉपवॉच को कम्प्लीटली डिस्कस किया कि स्टॉपवॉच किस काम आती है, टाइम इंटरवल को फाइंड करने के लिए। स्टॉपवॉच की टाइप्स कितनी होती हैं, 2, मैकेनिकल और डिजिटल। फिर
एक एनिमेशंस के जरिए देखा कि स्टोव वॉच को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मैकेनिकल स्टोव वॉच में जो एक बटन होता है वही प्रेस और वही स्टार्ट और रन स्टोव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसी बटन को प्रेस करके हम उसकी नीडल को दोबारा जीरो पे ले आते हैं। इसी तरह डिजिटल स्टोव वॉच में भी एक बटन लगा होता है जो कि इसको स्टार्ट और स्टॉप करता है, और एक रीसेट का बटन होता है जो उसे दोबारा रीसेट कर देता है। आज की वीडियो के मुतालिक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम मेजरिंग सिलेंडर को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।